हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स यूपी बोर्ड का क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र का वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर सभी का लिंक दे चुका हूं, वहां से भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र में देखिए फ्रेंड्स, 5 चैप्टर हैं यानी कि अध्याय हैं, और पांचों में से मैं 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूं, जो कि 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें से 10 में से बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएगा, और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार भी जो मैं बताया था तो उसमें से 2-3 के क्वेश्चन फंसे हुए थे 10 क्वेश्चन में से, और इस बार भी 2020 का अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन आएगा ऑल नोटिफिकेशन पर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो क्लास 10th का बनाऊं तो कोई भी छूटे ना फ्रेंड्स, है ना। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए। कोई भी वीडियो बनाता हूं तो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें और किसी भी सब्जेक्ट को कैसे आसानी से याद करें, सभी का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं, वहां से जाकर अच्छे से उसको देखिए, समझिए, केयरफुली देखिएगा तो आपको कोई वीडियो मेरा समझ में आएगा, है ना। और ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि अर्थशास्त्र से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें से बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर का नहीं करता है। देखिए अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है उसमें से आपको तो 4 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन जो बहुविकल्पी होता है इसमें से एक भी नंबर नहीं करता है। तो इसको केयरफुली ध्यान से देखिए और इसको रिविजन कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्जाम का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा है कि आर्थिक विकास का कौन मापक नहीं है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, आर्थिक विकास का कौन मापक नहीं है, तो ये वनों का हर्ष। देखिए वनों का हर्ष जो होता है या आर्थिक विकास का मापक नहीं होता है, इसको आर्थिक स्थिति में इसे नहीं मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि लिखा है कि पंजाब के समृद्ध किसान क्या नहीं चाहेंगे। देखिए पंजाब के समृद्ध किसान क्या नहीं चाहेंगे, तो गिरते हुए मूल्य। वो जो पंजाब के समृद्ध किसान होते हैं वो गिरते हुए मूल्य को नहीं चाहते हैं ना, ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा गिरते हुए मूल्य आंसर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर लिखा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, यानी कि भारत में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है यानी कि गांव वाला क्षेत्र है उसमें किस क्षेत्र का योगदान, योगदान मतलब उन्नति की ओर योगदान सर्वाधिक है, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, तो वो प्राथमिक है, क्या है, प्राथमिक है, यूनिक प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि 4 नंबर है कि गेहूं से चावल की अदल बदल एक उदाहरण है। ध्यान से देखिए बहुत क्वेश्चन जो बताने वाला हूं 4 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछले बार भी पूछा गया था कि गेहूं से चावल की अदल बदल एक उदाहरण है, ये वस्तु विनियम का, क्या, वस्तु विनियम का है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आपने सेलेक्ट करके क्वेश्चन को अच्छा से रिवाइज कीजिए। 5 नंबर देखते हैं कि आयत पर कर है। देखिए फ्रेंड्स आयत पर कर है ये व्यापार रोधक है, क्या है, व्यापार रोधक, जो कि आयत पर कर लिया जाता है, उधार लिया जाता है, तो ये व्यापार के रोधक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 6 नंबर यानी कि 6 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, विश्व व्यापार जो हमारा है इसका संगठन की स्थापना कब की गई, तो ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये सन बताएंगे 1995 ईस्वी में, किस सन में, 1995 ईस्वी में, है ना, इसका आंसर ये बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ध्यान से देखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 ईस्वी में, ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष, आप किसी पेपर कोड को उठाकर देख सकते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो सन 1986 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 8 नंबर कि जिला फोरम का विवादित संपत्ति का कार्य क्षेत्र है। देखिए फ्रेंड्स जिला फोरम का विवादित संपत्ति का कार्य क्षेत्र है तो वो 20 लाख रुपए तक होता है। जो हमारा जिला में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फोरम, कोई फॉर्म आता है जिला फोरम का, विवादित हो संपत्ति का कार्य का क्षेत्र में पैसा आता है तो वो 20 लाख रुपए तक उसका लिमिट होता है, 20 लाख रुपए तक आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर लिखा क्या है इसमें, यहाँ पर लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो
15 मार्च के रूप में, मतलब 15 मार्च को ही मनाया जाता है उपभोक्ता संरक्षण दिवस। और 10वीं नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। ये क्वेश्चन देखिए एयरफोर्स में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन जो देखे हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है ना। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, वहां से इस पीडीएफ को लेकर अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।